ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਉਸਦੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਚਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਲੱਤਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਲੱਤਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ फर्स्ट एड तक की देनी सी ओए इनू ए चाहुंदा सी वी ए रवे ही ना मतलब शरेआम फायर मारी जांदे ते गोली लगती है ए उत्थे टटी जांदे ते लत्ता मारी जांदे बेशुड भैया मैनू ए दस बेटा देखो मेरी ते जिंदगी आस ते विश्वास वाली कितनी आस है भाई 5 साल दा समा सरकार इस विषय ते बणी है जी अज तक मैं समझता भी जी नवी भी इस पर बन गई उन्हें बयान भी नहीं लाया नवी जी नवी आ 3 महीने हो गए जो होम चाई में उन्होंने एक बयान भी नहीं आया इस विषय से भी कुछ करना चाहते जो असं मिल की गल की है मेरा आया कि नहीं आया थोड़े आए तो आवाज ट्विटर फेसबुक तो आवाज चकी जाते हो पर जी 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 सरकार करना चाहिए जो थोड़े हाथ च पावर आ जा तो कर दो सारा सारा कुछ तो पता है कि सैनी सारा कुछ करके डी जी जिहड़ा वकील सी वो डीए ला दिता नवी सरकार च लग्या कि सरकार नूं ये नहीं पता सी जिहड़ा अज तक उन्हूं मतलब बचाउंदा आया कटहरे च खड़न तो बचाउंदा आया भी ये सही आ सबूत दिंदा आया भी सही आ उही उन्हूं गलत साबित कर सकदा सी अज पासे भी कीता ते उहदा और समा खराब होया 2 महीने 2.5 महीने जिहड़ा अज नज़र रहा 20 दिन 25 दिन वो समा खराब होया मैं ते इस गल ते भी टका के लड़िया बेटा देखो मैं सारे पंजाब का गल करना चाहता क्योंकि मेरे माँ प्यो तो उत्ते दी गल है मेरे चानन मनारे नताणियां दे तान निमाणियां दे मान मेरे गुरु की गल ते इस राह ते सच दी राह ते तुरदे होए मैनू कदे कोई भै नहीं रहा हमेशा सिर उच्चा रहा ते फखर है भी आपदे मां प्यो दे दित्ते संस्कार मैं सच दी राह ते तुरन और सच दी आवाज हक सच हकीकत बुलंद करन नूं हमेशा लाए अज 100 मण दुध च खट्टा पाने की कोशिश की जा रही पंजाब दे अमन मान नूं तोड़न दी कोशिश की जा रही है सियासी तौर दे उत्ते मेरे पंजाबी भरावां दे मनां दे विच भै पा के एक खास कम्यूनिटी दे मन दे विच भै पा के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है वोटां दी राजनीति खातर 15 च सदा याफ्ता कीते हुंदे कोई होवे गुरु तो उत्ते नहीं कोई समझ नहीं जिन्हें ओछी वोटां दी राजनीति खातर पंजाबियों नूं पाड़न दी कोशिश की साडी पंजाबीयत दे उत्ते साडी ढाल दे उत्ते असीं उदों नहीं टुटे जदों मसा रंगण आया असीं उदों नहीं टुटे जदों अहमद शाह ली आया अहमद शाह अब्दाली आया ते जिन्हें उस पंजाबीयत नूं साडे एके नूं साडे आपसी भाईचारे नूं बाबे नानक दी दित्ती राह नूं सरबत दे भले नूं हैं वख वख भावे पहरावे होण पर असी एक उस पंजाबीयत दे उत्ते जिन्हें कान करन दी कोशिश की उन्होंने जो उदों सज़ा दित्ती हुंदी और ऐसी सज़ा दित्ती हुंदी इस जघन्य अपराध दे लई इस मिथ के किते हुए अपराध दे लई सियासी फायदियां दे अपराध दे लई ते अज सब नूं कन्न हो जांदे कोई जुरत ना करदा पीढ़ी दर पीढ़ी बोले सो निहाल सो सियाकाल दर पीढ़ी कोई जुरत ना करता इट वुड हैव बीन अ डेटरेंट एक ऐसी मिसाली सजा जिहड़ी मैं मंगदा रहा भावें कोई होवे समझे नहीं राज बिना ना ही धर्म चले और धर्म बिना सब जले मले दले मले
राज बिना ना ही धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले ते मैनू दसो उस राज दा की वकार जिहड़ा धर्म दी रखिया ना कर सके। और बारंबार कहना कि जे तुसी नौकरी देनी सी तरस दे आधार ते ते फिर एदू वद किहदे ते तरस चाहीदा सी भाई है जिहदे अज तो किन्ने साल हो गए बेटा छे साल पहला किथे गोली बजी इत्थे लत ते वजी सी दूजे पासे लंघी सी पट्टा च तू डिग पिया है। मैनू ऐ दसो जे इहदे ते तरस नहीं फिर किहदे ते। हाँ तगड़े तगड़े लोगों के मुंडिया नौकरियां देनिया दे जाओ, लेकिन कतार च अखीर दे विच तां इह खड़ोता है कोई मजदूर खड़ोता है कोई गुरु का सिख ही जिहदे चड्डे पाले है जिन्हां ते झूठे इल्जाम लाए है ते आ खड़ोता आ बैठा है वेखो अज भी लड़ रहा है लड़ रहा ना। यही मैं कहना कि अज पंजाब नूं सोचना पऊ कि कद तक असीं भ्रमित होंदे पुरांगे। और फिर आम बंदा एक सवाल करता है, मैं इहदी भावना नूं दोहराना चाहुंदा, आम बंदा एक सवाल करता है भी जे गुरु नूं इंसाफ नहीं तो फिर एक आम बंदा किहड़े इंसाफ नूं देखूगा, किहड़े कि मतलब उहनूं आम बंदे नूं की इंसाफ दा होया बई। पंजाब सरकार नूं सोचना पऊगा। देखो ये गल्लां सरबत दे भले दीआं ने, ये गल्लां सुशासन दीआं ने, ये गल्लां रल मिल के इंसाफ नूं पिछे रखण दीआं नहीं। इस करके मैं इत्थे इहदे नाल पूरी एक मतलब मैं मतलब अधूरी नहीं पूरी भावना लैके आया, इहदे नाल मेरी भावना इहदे नाल पूरी रलदी है और मेरे मन दे विच भी उही सिस्टम जिहड़ा अज सिस्टम नूं जवाब देने पैणे। मैं सिस्टम का हिस्सा मैं जवाब दे जाना। तो गुरु ने जे इंसाफ करवाना हो पल दे विच ना करा ले, उन्हें तो तीन चार पूछते मुख्यमंत्री पूछते, इन्हां गल्लां दे उत्ते ही मुख्यमंत्री बने थे, इन्हां गल्लां दे उत्ते ही लै गए। ये कोई होवे चाहे जिथे धर्म की धर्म का सत्कार नहीं, जिथे धर्म के सौदे हो उत्थे तुसीं मैनूं दसो उत्थे कोई किवें खड़े। पूरी तरह समर्थन करना आ, होर कोई आया हो मैनूं दसो ते मैं आया ना, क्योंकि मैनूं पता है किसे पार्टी दा मतलब नहीं है, पंजाबीयत दा मतलब है इत्थे, इत्थे पंजाब दा मसला है, इत्थे साडी अणख साडी होंद साडी साफे दा मसला है, साडे मां बाप तो उत्ते उही ते साडे मापे, मेरे मां बाप तो जाण तो बाद मैं ते गुरु नूं दा मां बाप मानता भाई। ते जिहड़ा बंदा मां बाप दा ना होया फिर किहदा होऊ, किहदा होऊ है फिर किहदा होऊ। इस करके देखो मैं फिर इह चेता करवाउण आया कि भाई उत्थे ते लोकां ने होण नहीं दित्ती, लोक पहरेदार बणे आ लोकतंत्र दे, लोक हुण वी बन गए जी, बन गए तो लोकां ने बन लिया मतलब। देखो अदालतां दे विच फैसले जिहड़े हुंदे आ उह तर्क दे हुंदे आ, सबूतां दे हुंदे आ, होरां चीज़ां दे हुंदे आ, किहड़ा वकील तुसीं खड़ा करदे हो, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, किहड़ा वकील तुसीं खड़ा करदे हो, किहनूं तुसीं खड़ा करदे हो, की है की नहीं, समझदे हो मेरी गल नूं समझो। लेकिन लोकां दी अदालत वी हैगी, लोकां दी कचहरी ने दो तीन मुख्यमंत्री लाते इसे मुद्दे ते, ये भी समर्थन करदा और ये भी कहना भी नौकरी इस बच्चे नूं मिलनी चाहीदी है। और एक प्रधान जदों गल कहदा मैं बड़ा भरा बन के भी कहना और मैं ये तेरी फरियाद लेके जाऊं, की गल
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲਾ ਦੇਣਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਖਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 8000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹਰਕੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅਰਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੜਿਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਪਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੀੜੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ जिन्ना अख्तियार दिता है उन्ना अख्तियार वरत्या जिन्ना अख्तियार जिन्ना जिन्नी ताकत दिती है ओदू वध वरत्या आपदी आपदे ओदे उदे दा ते ला के वरत्या भुगा भुगा मार के वरत्या ठीक है कि नहीं और मतलब अपनी सीमा तो बाहर जाके वरत्या लेकिन मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है नहीं मैं तो एक पार्टी का प्रधान हाँ जनरल सैकटरी ला सकता संगठन बना सकता लेकिन जड़िया चीज़ा ने यह मैं लोगों की आवाज़ में बुलंद कर सकता लोगों का जोड़ा बलबला है उन्होंने आत्मा की आवाज़ क्योंकि आत्मा से आधात है उन्होंने बुलंद कर सकता मैं कर रहा और करता रहूँगा और अखीर तक मैं गुरु का कुकर होकर ही रहूँगा ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਚੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਤਕੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਆਪ ਚੁਣੇਗੀ ਗੁਰੂ ਚੁਣਵਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਖੁਦ ਚੁਣੇਗੀ ਔਰ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਦੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ MP ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੂੰ ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ।